हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं जामिल कंपनी का कूल लाइन डक्टेबल एयर कंडीशनिंग है, इसका वायरिंग डायग्राम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप वायरिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि इसका जो जामिल डक्टेबल एयर कंडीशनिंग और जामिल पैकेज एयर कंडीशनिंग का, दोनों का वायरिंग डायग्राम लमसम सेम है, 50-50% मैच करता है एक दूसरे से, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बनाया है वो लोग। तो चलिए हम लोग इसमें क्या डिफरेंस है जामिल पैकेज से और जामिल डक्टेबल एयर कंडीशनिंग में, तो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल को समझते हैं। कंट्रोल के लिए वो लोग क्या किया है, यहाँ से एक L1 से फेस लिया है और ये फेस पावर सीधा हमारा लेकर गया है ATV में, यहाँ पे आया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1B राइटिंग है, A1B यहाँ से सीधा है। उसमें देखिए पैकेज एयर कंडीशनिंग है, जिसमें उसमें दिखाया है कि उसमें फायर के लिए यूज करता है, ये पॉइंट जो है फायर के लिए यूज करता है। लेकिन इसमें देखिए कहीं पर फायर के लिए ना यूज करके सीधा यहाँ पे कंट्रोल कर दिया है और इसी को जम्पर मार के वापस रिटर्न ले लिया इसी केबल को। और ये केबल को 1A सीधा नंबर हमारा A1 एक नंबर का टैगिंग केबल है और वो सीधा हमारा कहाँ पे आता है, UVM में। तो 1A नंबर का केबल आता है हमारा UVM में, UVM का आउटपुट मिलेगा हमको 1 नंबर केबल। अगर यहाँ पे 3 फेज बराबर है, ये इसके लिए लगाया जाता है अगर हमारे सिस्टम में कभी सिंगल फेस हो गया, 2 फेस हो गया, उसी टाइम हमारे सिस्टम का सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ से अगर 3 फेज बराबर है तो यहाँ से हमको पावर आउटपुट करेगा 1 नंबर के केबल से, और ये 1 नंबर का केबल सीधा हमारा यहाँ पे देखिए इधर से आके फिर भी इस जगह में आएगा ATV में। आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे 1 नंबर का राइटिंग है। अब यहाँ से फिर भी इसमें देखिए लूपिंग करके लिया है ताकि एक ही जगह से हमको कई जगह पर यूज करना है इस केबल को, तो इसलिए यहाँ से देखिए फिर यहाँ से जब निकलेगा 1 नंबर का टैगिंग, वो सीधा हमारा देखिए यहाँ पे रिले के लिए भी जाता है जो फायर के लिए लगाया गया है और इसका रनिंग का स्टेटस देखने के लिए भी लगाया गया है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूँ ये BMS से कंट्रोल है, इसलिए ये रिले लगाया गया, इसमें फायर का इंटीग्रेशन भी दिखाएगा और रिले अगर कभी लॉकआउट में जाएगा उस टाइम भी हमारा दिखाएगा, रनिंग में आएगा तो भी दिखाएगा, इसके लिए ये रिले लगाया गया है। तब यहाँ से यहीं से 1 नंबर का केबल एक टैगिंग लेकर आता है, वो 1 नंबर का केबल सीधा हमारा ये PCB बोर्ड में आता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे PCB बोर्ड में आएगा। अब ये PCB बोर्ड में 1 नंबर का केबल आएगा यहाँ से, अगर ये PCB का, उसके बाद ये फ्यूज में जाएगा, फ्यूज अगर बराबर है तो PCB का पावर हमारा इसमें PCB में आएगा। अब इसका जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल सीधा आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ से जो 2 नंबर का टैगिंग है ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब यहाँ से न्यूट्रल और फेस दोनों हमारे PCB बोर्ड में जाएगा, हमारा PCB बोर्ड में। अब ये PCB बोर्ड में जाता है लेकिन ये जो पावर है सीधा PCB में न जाके सीधा हमारा ट्रांसफार्मर के लिए जाता है पहले, लेकिन हमको दिख रहा है केवल कनेक्ट है PCB में, लेकिन यहाँ से पावर हमारा ट्रांसफार्मर के लिए जाएगा। तो जब ये फेस न्यूट्रल यहाँ पे मिलेगा, ये ट्रांसफार्मर में जाएगा, ट्रांसफार्मर हमारा क्या करेगा, 220 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे राइटिंग भी है 240 वोल्ट से 24 वोल्ट में। तो अभी हमारा ट्रांसफार्मर को फेस न्यूट्रल मिलेगा और ये 220 वोल्ट को 24 वोल्ट और 10 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। अब तब ये यहाँ से देखिए जो 10 वोल्ट आता है हमारा PCB काम करती है और 24 वोल्ट है जो थर्मोस्टेट के लिए जाएगा। सेम प्रोसीजर जैसे हमारा पैकेज एयर कंडीशनिंग में है उसी प्रकार इसमें भी है। उसमें भी देखिए ट्रांसफार्मर लगाया, उसमें 2 पॉइंट लिया, इसमें भी 2 पॉइंट लिया है। तो 10 वोल्ट में PCB काम किया और 24 वोल्ट में थर्मोस्टेट के लिए जाएगा। अब थर्मोस्टेट के लिए यहाँ पे देख सकते होंगे कि RC पॉइंट है, यहाँ पे देख रहे हैं RC पॉइंट थर्मोस्टेट में गया। थर्मोस्टेट अगर हम लोग ऑन करते हैं तो वहाँ से हमको एक पावर तुरंत मिलेगा G के लिए। तो जी के लिए तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये डक्टेबल एयर कंडीशनिंग है तो इसमें ब्लोअर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो जी का पॉइंट है उसको लूपिंग करके रखते हैं ताकि इसको PCB को पता चले कि हमारा ब्लोअर चल रहा है, इसीलिए वो जी पॉइंट को लूपिंग करके रखते हैं। अगर उसके बाद तो हमारा वहाँ से अगर कमांड है तो हमको Y1 मिलेगा। तो जब Y1 मिलेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं Y1 तो यहाँ पे आएगा 24 वोल्ट, लेकिन जो HPLP है HPLP में हमारा घूमेगा कितना, 10 वोल्ट है, इसलिए क्योंकि इसमें जो हमारा PCB काम कर रहा है 10 वोल्ट पे काम कर रहा है और जो थर्मोस्टेट काम कर रहा है 24 वोल्ट में काम कर रहा है, तो इसलिए हमको वहाँ से पावर यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट मिलना चाहिए और जब हमें यहाँ से और यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको 10 वोल्ट मिलना चाहिए। तो जब हमको यहाँ पे अगर हमारा HPLP, उसमें देखिए क्या किया जामिल में पैकेज में, यहाँ पे देखिए HPLP को सेपरेट पॉइंट लगाया, लेकिन इसमें देखिए क्या किया है, जो HP है उसको जम्पर मार दिया है, यहाँ पे जम्पर मार दिया, दोनों का HP देख सकते होंगे कि यहाँ पे जम्पर मार लिया है। और LP में क्या किया है, HPLP जैसे कि
नॉर्मल आप लोग डक्टेबल एयर कंडीशनिंग में देखे होंगे कि जब पहले यहाँ पे पावर लेता है, फिर एलपी में जाता है, एलपी का आउटपुट मिलेगा तो आपको एचपी में जाता है। सेम काम यहाँ पे भी वही किया है। क्या किया है, यहाँ से एक पावर उठाया, वो सीधा लेकर गया है एलपी में, एलपी का आउटपुट निकाल के लेकर गया, एचपी में ज्वाइंट किया, एचपी का आउटपुट निकाल के सीधा लेकर आके इसमें लगा दिया हमारा बोर्ड में। तो बोर्ड को तो पता चल रहा है कि हमारा एचपी एलपी दोनों काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चाहे हम यहाँ पे लगाएं या चाहे वहाँ पे लूपिंग कर लें, दोनों काम हमारा बराबर सेम होने वाला है। फिर इसके में हमारा आएगा पावर, तो एच पी एल पी अगर बराबर है तो वहाँ से हमको तुरंत पावर मिलेगा सोलेनोइड वाल के लिए। अब वो सोलेनोइड वाल फर्स्ट ऑन होता है, अगर एक नंबर कंप्रेसर का है तो 4A से आउटपुट होगा, अगर दो नंबर कंप्रेसर का है तो 4B से आउटपुट होगा। तो ये हमारा जाके सीधा सोलेनोइड वाल को ऑन करेगा, सोलेनोइड वाल अगर ऑन हो जाएगा उसके बाद हमको पावर मिलेगा कंप्रेसर के लिए। अब एक कंप्रेसर के लिए भी यहाँ से पावर मिलेगा, हमारा कंप्रेसर कॉन्टेक्टर आप लोग देख सकते होंगे कि नीचे यहाँ पे है, इसमें देखिए 3B राइटिंग है, अगर दो नंबर कंप्रेसर है तो 3B है और एक नंबर कंप्रेसर है तो 3A के लिए। तो यहाँ पे अगर एक नंबर का कमांड है तो हमारा 3A कंप्रेसर में इसमें पावर आएगा और कंप्रेसर हमारा जो कॉन्टेक्टर का एच होगा हमारा कंप्रेसर वर्किंग में हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है मेन, इसमें देखिए हमारा जो पैकेज एयर कंडीशनिंग था उसमें क्या है कि एक ही कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर एक ही लगाया गया है, और इसमें क्या किया है कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर दो लगाया है, इसमें फैन साइकिलिंग स्विच को यूज किया है। आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर है और एक यहाँ पे भी कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे देख सकते होंगे उसमें क्या किया है एक ही कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर लगाया है पैकेज एयर कंडीशनिंग में, लेकिन डक्टेबल में दो लगाया है। और एक बात और मैं बता दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसमें क्या किया है, कंडेंसर मोटर का जो कॉन्टेक्टर है उसको पावर सीधा यहाँ से डायरेक्ट उठा के ले जाके कॉन्टेक्टर में डाल दिया, लेकिन इसमें क्या किया, इसमें एक सेफ्टी लगा दिया कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर में, यहाँ से फर्स्ट MCB में ले गया है, MCB अगर हमारा ऑन है तो उसके बाद हमको यहाँ से पावर आउटपुट कर रहा है। अब ये पावर सीधा दोनों कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर में गया है, देख सकते होंगे आप 1000, 1001, 1002 ऐसा राइटिंग है यहाँ पे, आप लोग देख सकते होंगे, सॉरी 1000 नहीं 100 है 101 है 102 है, यहाँ से आउटपुट होगा और सीधा हमारा आके कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर इन में लगेगा। कंडेंसर मोटर कॉन्टेक्टर आप देख सकते होंगे फाइन मोटर कॉन्टेक्टर यहाँ पे लिखा है, 1 हो गया है और ये फाइन मोटर कॉन्टेक्टर 2 हो गया। तो मैं आपको बता दूँ नॉर्मली हमारा चलेगा यही, सबसे हमारा अगर कोई भी कंप्रेसर स्टार्ट होगा सबसे फर्स्ट हमारा एक कंडेंसर मोटर चलेगा, उसके बाद जैसे ही अगर उसका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा उसी टाइम हमारा सेकेंड कंडेंसर मोटर रनिंग में होगा। तो सेकेंड कंडेंसर मोटर के लिए पावर कहाँ से आता है, उसका जो फैन साइकिलिंग स्विच है वहाँ से आता है। फैन साइकिलिंग स्विच अभी मैं आप लोग को दिखा दूँ, आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पे देखिए HP के स्विच के साथ में ये हमारा HP स्विच हो गया और ये वाला फैन साइकिलिंग स्विच हो गया। अभी आप लोग को मैं सक्शन में उसका LP भी दिखा दूँ, तक देखिए ये हमारा LP स्विच हो गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे खुद कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन में लगा है। तो एक है ये हमारा HP स्विच है और ये फैन साइकिलिंग स्विच है, ऐसा सेम स्विच हमारा दूसरा कंप्रेसर में भी लगा रहेगा और दोनों का एक सीरीज कनेक्शन रहेगा। अभी मैं आपको टेम्परेरी बता देता हूँ किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ से हमको पावर निकला, यहाँ से पावर गया और सीधा आएगा हमारा कंप्रेसर नंबर 1 का इस फैन साइकिलिंग स्विच में। अब इसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते होंगे, देखिए यहाँ से एक मान लीजिए पावर निकला और ये सीधा हमारा जाएगा एक नंबर कंप्रेसर का फैन साइकिलिंग स्विच में, उसके बाद यहाँ से अगर इसको अगर हाई डिस्चार्ज इसका बढ़ेगा तो सीधा जाके कॉन्टेक्टर में कैच हो जाएगा, कॉन्टेक्टर में एक कॉन्टेक्टर में पकड़ेगा और हमारा कॉन्टेक्टर रनिंग में हो जाएगा। दूसरे का भी सेम क्या किया, यही से पावर लेके जाके दूसरे में लेकर गया है इसी तरह सेम, और इसका आउटपुट सीधा लाके कॉन्टेक्टर में लगा दिया है। तो यानी कि किसी भी हमारा कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा उसी टाइम हमारा जो सेकेंड कंडेंसर मोटर है वो रनिंग में हो जाएगा, सेकेंड कंडेंसर मोटर। किसी का भी डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा उसका हमारा तुरंत कंडेंसर मोटर सेकेंड रनिंग में हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से इसमें केवल डिफरेंस है हमारा, इसमें क्या डिफरेंस है, एक क्या किया है हमारे कंडेंसर मोटर के लिए यहाँ पे MCB लगाया है, इसका थोड़ा कंट्रोल बढ़ाया, और दूसरा क्या किया है यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि हमारा जो है कंडेंसर मोटर के लिए दो कॉन्टेक्टर लगाया है। ओके, तो इसमें यही डिफरेंस है और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो में आप लोग को कुछ भी डाउट लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें।